बार बार बुलाया लेकिन कप्तान ना आए। इलेक्शन कमीशन ने तवील कार्रवाई के बाद अदम हाजिरी पर इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पीटीआई के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच में सिंध और पंजाब के 2 मेंबर्स ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की मुखालफत की तो 3 मेंबर्स ने वारंट जारी करते हुए इमरान खान से दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि सरबरा पीटीआई को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसले को सराहा। फैसले से इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा और ये पैगाम जाएगा कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे ANP हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये तमाम पार्टियाँ कानून के जेर ताबे होनी चाहिए। अकबर एस बाबर ने कप्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और तहरीक इंसाफ पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। यह है खबर का जहां।